इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि अभी हम भी बीमार है, तभी कह दिया जब सारी तो नहीं बनानी है, तो आज इंशाल्लाह सारी भी कुछ बनाएंगे। नहीं, ये कहा गया आज मेरी तबीयत खराब है और जो कुछ बनाना है तुम नहीं बनाना है अफतारी में। मैंने कहा मैंने अगर अफतारी बनाई तो इंशाल्लाह कल ही अफतारी करेंगे ब्लॉग के लिए। मैं आपको पहली बार को काम कह रहा हूँ। चाचू अपना जकड़ को लाया अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर आ रहे हैं। कितने रहे हो मुझे कोई रिवार्ड मिलेगा? हां पूरे 30 डेज लगातार जाम लगा छड़ी है झुटका। तो अभी हम जा रहे हैं फजर पर जी की है नहीं रखे थे ना ब्याज बात कौन है रखा था बारह निकाल लाले बिला के चेबियां बड़ी दोरे दोरे हुई अपनी जड़ मार को पैर नहीं बता बिल्कुल। तो अच्छा काम किया ठीक। वाह कोई नहीं यार कोई नहीं, एक दिन हमारा भी आ जाएगा कभी ना कभी। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि अभी हम आ रहे थे तो हमें पता चला कि दो कुछ कुछ भी हो गई हैं इधर। और ये इन बेचारों ने और इन्ना गुरबत तो तंग आके को तू किसी घर की थी इन्ना का इशारा दी जड़ा ना बेटे कराऊ लेके कराऊ यार गुटा आना चाहिए आप पर कुछ जा रहा है आप क्या मार्च कर रहा मुझसे लगा रहा है। हां जी तो वेलकम बैक हो गया आपका न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं जवाब में कपड़े देने चलते हैं, कपड़े लेके आते हैं और अत्तर भी लेने हैं और दही भी लेने हैं। आज मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं। और हम ही भी बीमार है, तभी कह दिया आज अफतारी तो नहीं बनानी है, तो आज इंशाल्लाह अफतारी भी कुछ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो वेलकम बैक हो गया आपका न्यू व्लॉग के अंदर। तो आज की वीडियो का मामला यह है कि अभी मेरी यही पड़ी है बीमार बेचारी, आप लोग दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो अम्मी ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है और जो कुछ बनाना है तुम नहीं बनाना है अफतारी में। मैंने कहा मैंने अगर अफतारी बनाई तो इंशाल्लाह कल ही अफतारी करेंगी। तो अभी अम्मी ने बाकी जो अशिया थी काट के वो रख दी हैं और मुझे कहा कि ये चलो बना लो खुद ही। तो मैंने कहा क्यों ना बनाए, अम्मी ये मिल्कशेक बना लेंगे थोड़ा सा। आज बना रहे थे चाट, तो चाट बनाने के लिए पहले हमें चाहिए डोंगा क्योंकि डोंगे में बनानी है। तो मेरा कैमरामैन को मैं कहूँगा कि कैमरामैन उठा ले कैमरा और मेरे नाल नाल टोरे। अभी चाट के लिए डोंगा निकाल लेंगे। चाट के लिए निकाल लिए डोंगा। ये आलू और चने वगैरह वही पड़े थे बॉयल, तो इनको अभी बीच में मिला लेंगे। ये आलू, ये चने और टमाटर, प्याज, और अब बीच में मिला लेंगे दही। अभी कोई लून मर्चे भी पूरे कर लेंगे। तो लून मर्चे अम्मी ने पूरी कर ली थी, तो अभी ये फुलड़े डालेंगे जो दही भले वाले नहीं होते ये वाले, इनको पहले पानी में भिगो के रखना ताकि ये नरम हो जाए। और ये भी वो दही भले वाली है, इनको भी पानी में भिगो के रख दिया था। ये गुलाम मुजाहिद की दुकान में मिल जाते हैं। तो अभी इनको अच्छी तरह हिला लेंगे।
अच्छा जी, तो ये अच्छी तरह ला ली थी और अभी ये फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये बाकी आलूओं को वो कर लेंगे, वो जो आलू वाले पकौड़े नहीं होते वो वाला। तो अभी ये पकौड़े बना लेंगे। उधर इतना पकौड़े बनते हैं, यहाँ पर पानी बना लेंगे, पानी में कुछ मसाला ऐड करेंगे और ये बाकी फैला लेंगे इस तरह। तो ये इस तरह इनको गोल्डन कलर दे देना है, अभी बाकी निकाल लेंगे। हाँ जी, तो अफ्तारी वगैरह कर ली थी और फजर भी फजर आज मैं बहुत डांट लग रहा हूँ, मगरिब भी पड़ रहे हैं, तो अभी मगरिब के बाद आपको पता है कि हम चाय पीते होते हैं पक्की, तो अभी चाय बना लेंगे और पियेंगे और व्लॉग भी एडिट करना है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं मगरिब व्लॉग में। और हाँ, आज के व्लॉग के लिए मैं आपको पहली बार को काम कह रहा हूँ, मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा, वो बीमार है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फिर बने।